हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मराठी का एक और टॉपिक, मराठी निबंध का जनसेवा हीच ईश्वर सेवा। ऑलरेडी मैंने कई सारे टॉपिक पे वीडियोस बना दिए हैं, ट्रांसलेट मैंने हिंदी में करके बताया है, शो भी किया है ट्रांसलेशन उसके। ओके, और ये भी हम वैसे ही देखने वाले हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन पर देखना है ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे, ब्लर ना दिखे। उसके लिए आपको हमेशा हाई रेजोल्यूशन पर मैं बोलती हूँ देखने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको पूरे सेंटेंसेस बना बना के आपको निबंध लिखना होता है। गाड़िये बाबांची शिकवण, सर मानसे ईश्वराची रूपे, देवड़ा तीर्थ क्षेत्री जाण्याची गरज नाही। गागे बाबा, जो गाड़िये बाबा हैं, उनकी जो शिक्षा है, और सर सभी इंसान जो हैं, सभी मनुष्य ईश्वर रूप में हैं, और देवस्थल जो होता है, तीर्थस्थल होता है, वहाँ पर जाने की गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों की, निरोगी शरीर ही संपत्ति, निरोगी शरीर होना हमारी संपत्ति है। अपंग वृद्ध और जो व्याधिग्रस्त यानी रोगों से ग्रस्त लोग हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। खालसिया थरातले गरीब अनाथ से आँची सेवा, ये जो गरीब है, अनाथ है, अपंग है, उनकी सेवा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वही सच्ची ईश्वर सेवा होगी। हिंदी के भी अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हिंदी निबंध का, मराठी निबंध का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक के सभी बच्चों के सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसमें सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, एक्सप्लेनेशन एंड डाइजेस्ट आंसर जो भी आपके कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं। उसके अलावा जो आपको वीडियो चाहिए और जो नहीं बनाया अपने कमेंट, अपने चेक किया प्लेलिस्ट में वो नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, बन जाएगा वीडियो। ओके, एकदम क्लियर है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूम इन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एकदम क्लियर है और इतना तो आपको अच्छे से दिख ही रहा है कि आप लिख सको, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जूम इन नहीं करूँगी। आपको हिंदी में समझाते जाऊंगी और हिंदी का एक्सप्लेनेशन भी, हिंदी का आपको ट्रांसलेशन जो है वो भी मैं आपको शो कर दूंगी ताकि आपके दिमाग में अच्छे से वो आ जाए। सैकड़ों श्रोते गाड़िये बाबांची आतुरतेने वाट पाते होते, यानी सैकड़ों श्रोता यानी जो ऑडियंस है, गाड़िये बाबा की आतुरता से यानी बहुत ही उत्सुकता से उनकी बाट जो रहे हैं, यानी उनका रास्ता जो रहे हैं, वेट कर रहे हैं उनका। आज यानी बाबा के दर्शन करना रोते, आज उनको बाबा के दर्शन के लिए जाना है, उनकी अमृतवाणी सुनने को मिलेगी। लेकिन आज बाबा कीर्तन की जगह पे पहुँचे ही नहीं, तेवढ्यात कोणा तरी करने की, बाबा नदी किनाऱ्या पर्यंत आले आहेत, तक्षणी कित्येकानी नदीकड धाव घेतली, बाबा तिथे होतेच, सगळ्यांनी हात जोडून लीन पडे, बाबांनी विनवणी केली, बाबा भजनाची वेळ झाली, येताय ना, अरे बाबा नो मग हे काय चालू आहे, मी भजनच करतो, ही देवाची पूजा चालली, सारे विश्वानी भक्तच राहिले, कारण तेव्हा बाबा एक कुश रोग्याला अंघोळ घालत होते। मतलब वो क्या कर रहे थे, नदी किनारे पे एक जो कुश रोगी था उसका क्या कर रहे थे, उसके अंग को धो रहे थे, उसको नहला रहे थे। तो क्या बोले कि मैं यहाँ पे एक देव का ही पूजा कर रहा हूँ, देव की पूजा चल रही है, ठीक है। तो ये सबके सब बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो एक कुष्ठ रोगी का अंग धो रहे हैं। चलो अभी इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, पहले ये देख लो। सैकड़ों श्रोतागढ़, अंगुलियां नहीं आएगी, श्रोतागढ़ गाड़िये बाबा का वे सब्री से इंतजार कर रहे थे, आज भी बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, उनकी अमृतवाणी सुनने जा रहे थे, लेकिन बाबा अभी तक कीर्तन स्थल पर नहीं पहुंचे थे। उसी समय किसी को पता चला कि बाबा नदी तट पर पहुंचे हैं, तुरंत ही बहुत से लोग नदी की ओर दौड़ पड़े, पिताजी वहाँ थे। पिताजी यानी कि बाबा, यहाँ पे पिताजी का मतलब वहाँ पे जो बाबा की बात करें, गाड़िये बाबा, सभी ने हाथ जोड़कर बाबा से, वहाँ पे ये जब पिताजी आए यहाँ पे बाबा आएगा, बाबा वहाँ थे, सभी ने हाथ जोड़कर बाबा से विनती की, बाबा भजन का समय हो गया है ना, सो बाबा ये क्या हो रहा है, तो बोले मैं भजन कर रहा हूँ, यह भगवान की पूजा, ऐसा भारत से देखते रहे, क्योंकि तब बाबा एक कुष्ठ रोगी को नहला रहे थे। उस दिन के कीर्तन में बाबा ने उसी विषय को व्याख्या के लिए लिया, यानी वही जो उन्होंने देखा, जो वो कर रहे थे उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहे थे। उनके अनुसार सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, वे स्वयं ईश्वर के भिन्न रूप हैं, जो इंसान है, इन लोगों की सेवा ही ईश्वर की वास्तविक सेवा है। भगवान की पूजा करनी है, सेवा करनी है, तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मजारों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की आत्मा भगवान है, हमें मनुष्य में ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। चलो अभी हम देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी
मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, कोई ऐड आए तो स्किप मत कीजिए, देख लीजिए, इससे थोड़ा चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगा। जिस तरह के चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है, उस दिन बाबा ने कीर्तन में उसी विषय को लिया। उनका मत था कि सभी मनुष्य में ईश्वर का ही रूप होता है। ती ईश्वराची विविध रूपया, हर इंसान में मतलब हर इंसान ईश्वर के विविध रूप है, अलग अलग रूप है। या मानसाची सेवा ही प्रत्यक्ष ईश्वराची सेवा होए, और इंसानों की सेवा ही प्रत्यक्ष डायरेक्ट ईश्वर की सेवा होती है। देवाची भक्ति कराची असेल, त्याची सेवा कराची असेल तर, यानी कि देव की भक्ति करना यानी कि लोगों की सेवा करना ही भक्ति की, भगवान की सेवा है। और ये भगवान की देव के यहाँ पे जाना गरज कुछ नहीं है। तीर्थ क्षेत्र में जाना कोई गरज नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक इंसानों की जो आत्मा होती है उसमें ईश्वर का वास होता है। अपना मन मानसाच ईश्वर शोधला पाइजे, हमें अपने मन में ईश्वर को खोजना चाहिए। मानसाची सेवा के लिए पाइजे, यानी ईश्वर जो बेचारे एकदम परेशान हैं, जीव जंतु भी अगर हम देखें, जो बीमार हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनको किसी धक्का मार दिया किसी गाड़ी वाड़ी ने, उनकी सेवा करना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी, ठीक है। अब कहने का मतलब ये नहीं कि आप मंदिर ही ना जाए, पूजा ही ना करें, जो आपका है वो आप करिए। लेकिन आप किसी को ऐसे मरता हुआ छोड़ के मंदिर जा रहे हैं, आप किसी को मरता हुआ देख रहे हैं, आप हॉस्पिटल ना ले जाके आप मंदिर या तीर्थ स्थान जा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें एक बार रोक देनी चाहिए। पहले वो जिसको ज़रूरी है, जो मर रहा इंसान है, उसकी ज़रूर सेवा करनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब अगर इतने सारे मंदिर मस्जिद बने हैं तो ऐसा भी नहीं कि हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ये अलग अलग लोगों की सोच हो सकती है, वो इतने बड़े संत हैं तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला है, ठीक है। ये सारे साधु संतों की कहानी यही है, ऐसा उनका कहना है। दुर्दवाने काही जनाना धड़ काटत निरोगी शरीर लाभत नहीं, काही जन जन्मतः च अपंग असत। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपंग होते हैं जन्मजात ही। काही जनना वेगवेगळ्या रोगानी ग्रसले असत, किसी को अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं विचारों को। ज्येष्ठ नागरिकाना त्याचे शरीर साथ देत नसते, जो मतलब कि जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका शरीर साथ नहीं देता है। या सगड़ियाना साधे मानसार के जीवन जगड़े कठिन बनते, इसकी वजह से उनके जो उनके शरीर की वजह से उनकी जो लाइफ है बहुत मुश्किल में हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, मतलब शरीर दुबले अस्त्यास दुख से तेज। पर समाजात लोग उपेक्षा व अवहेलना ही करता, लोग क्या करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, यानी उनका अपमान करते हैं, और इनके दुख का कारण बनते हैं। समाजात काही जनाना जाति पातीच्या कारणाने कमी दर्जाला मानले जाते, त्यांना साध्या साध्या गोष्टीसाठी सुद्धा खूप झगडावे लागले। इसका मीनिंग देख लेते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग पूरी तरह से स्वस्थ शरीर का आनंद नहीं ले पाते हैं, कुछ विकलांग पैदा होते हैं, कुछ कई भी तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। वरिष्ठ नागरिक यानी जो बुजुर्ग नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके शरीर द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है। ये सब एक परछाई की तरह, मतलब ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है जीना, ठीक है। कमज़ोर शरीर होना दुख की बात है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि लोग समाज में उसकी उपेक्षा और अवहेलना करते हैं। कुछ लोगों को जाति के कारण समाज में हीन माना जाता है, लोग उनको खाना पानी ही नहीं देंगे, उनको छुएंगे ही नहीं, उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी लोग उनकी देखभाल ही नहीं करेंगे। साधारण सी चीज़ों के लिए भी इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। त्याना यानी उन्हें इतना ही था क्या है, त्याना समाजात मराने वागवले जात नहीं, उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं दिया जाता। गरीब और अनाथ याची अशी स्थिति अस्ते, जो गरीब है जो अनाथ है उनकी भी स्थिति ऐसी ही है, ठीक है। त्याना ही अधराची गरज अस्ते, तो उन्हें ही आधार की ज़रूरत है, जो अनाथ हैं, जो गरीब हैं, और जो समाज के हीन लोग हैं, मतलब जिसको लोग हीन समझते हैं, कुछ ऐसे लोग, ठीक है। या सारयाना आधार दिला, इनको इन सभी को आधार दो, मतलब सपोर्ट करो। त्याची सेवा के लिए तर ती ईश्वर सेवा छरेल, इनकी सेवा करने से भी ईश्वर की सेवा हो जाएगी। दीन दुबड़ियाना आधार देने त्यानी त्याना सुखी करने ही ईश्वराची पूजा करना इतकी श्रेष्ठ गोष्ट है।
दीन दुर्बल जो हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सेवा करने से ईश्वर की सेवा है, ठीक है, ईश्वर की सेवा करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कहने का मतलब ये है, जो दीन दुर्बल हैं, जो बेचारे असहाय हैं, जो अपंग हैं, जो खा पी नहीं सकते, जिनके पास खाने पीने की दिक्कतें हैं, तो उनकी सेवा करना ईश्वर से भी श्रेष्ठ सेवा है। तो यहाँ पे जितना था वो मैंने सब आपको बता दिया, यही कुछ पॉइंट्स थे जो निबंध के पॉइंट्स थे। अभी कुछ तो ऐसे हैं, कुछ कहानी के भी हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूँगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन बताइए आपको जो भी वीडियो चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए। कुछ बच्चे बार बार बोल रहे हैं मुझे, कुछ बच्चे क्या सारे ही बच्चे सेकेंड सेमेस्टर का पेपर मांग रहे हैं। 20 तारीख तक आपका पेपर आ जाएगा, मैं प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। इतने जल्दी तो नहीं आएगा, तो जिन बच्चों का पेपर अभी हाल फिलहाल में है तो वो टाइम वेस्ट ना करें पेपर के चक्कर में। जो टिक मार्क कराया गया अब अपने तरीके से प्रिपेयर कीजिए।